नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि सन 1947 में दो कंट्रीज बनी थी जिसे आज हम इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आजादी से पहले की, तो सन 1911 से 1947 तक इंडिया की तीन कैपिटल तब्दील हो चुकी हैं, जिसमें कोलकाता, शिमला और दिल्ली शामिल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो विद टॉम। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की राजधानी के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये अनोखा सफर। सन 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो इंडिया का कैपिटल दिल्ली था और पाकिस्तान का कैपिटल कराची को बनाया गया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ सन 1967 में पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को बना दिया गया था। अगर हम दोनों सिटीज के एरिया की बात करें, तो दिल्ली का एरिया 573 स्क्वायर किलोमीटर का है, और वही अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इसका एरिया सिर्फ 80 स्क्वायर किलोमीटर का है। एरिया के बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो दोनों ही सिटी में बहुत से लोग आबाद हैं। अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें, तो इसमें तकरीबन 1,67,00,000 लोग आबाद हैं, जो इसे इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी बनाती है। और वहीं अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, तो इसकी पॉपुलेशन महज 13,00,000 है, जो इसे पाकिस्तान का 9वां सबसे बड़ा शहर बनाती है। अगर हम दोनों सिटीज में रिलीजन की बात करें, तो दिल्ली में 80% हिंदू, 12% मुस्लिम, 4% सिख और 6% बाकी रिलीजन के लोग रहते हैं। और अगर वही बात हम इस्लामाबाद की करें, तो उसमें 95% मुस्लिम, 3% क्रिश्चियन और 2% बाकी रिलीजन के लोग रहते हैं। रिलीजन के बाद अगर हम दोनों सिटीज के रहन सहन की बात करें, तो दोनों ही सिटीज में आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिल जाएगा। अगर हम दिल्ली के एक टाइम के खाने की बात करें, तो वो तकरीबन 340 इंडियन रुपी का मिल जाता है। और वही अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, तो इस्लामाबाद में आपको एक टाइम का खाना तकरीबन 500 पाकिस्तानी रुपी का मिल जाता है। और अगर दोनों सिटीज में शॉपिंग की बात करें, तो दोनों ही सिटीज में बहुत से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स मौजूद है। अगर दिल्ली में शॉपिंग की बात करें, तो आप दिल्ली में शॉपिंग के लिए जनपथ मार्केट और पैसिफिक शॉपिंग मॉल जा सकते हैं। और वही बात करें इस्लामाबाद की, तो इसमें आप कोहसार मार्केट और गीगा मॉल जैसी जगहों से शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के बाद अगर घूमने की बात करें, तो दोनों ही शहरों में बहुत सी घूमने की जगहें मौजूद है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो इसमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट और हुमायूं टॉम जैसी जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। और वही बात करें इस्लामाबाद की, तो आप फैसल मस्जिद, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और मरगाला हिल्स जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो दिल्ली में इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो ट्रेन सिस्टम मौजूद है, जिस पे आप पूरी सिटी का टूर कर सकते हैं। और वही बात करें इस्लामाबाद की, तो उसमें भी 30 किलोमीटर का मेट्रो बस सिस्टम मौजूद है, जिसमें आप इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त के साथ आज दोनों ही कैपिटल ने बहुत तरक्की की है। दोनों ही कैपिटल में आज आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मॉडर्न हॉस्पिटल्स और खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था दोनों सिटीज का कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।